बुलाओ जी, बुलाओ, नहीं तो मैं जाके देखती थर। क्या है जी, कहीं का पुकार रहा है? और ये मकरमा कौन है? मैं आई मेरे काम से, मेरे आदमी को लेके जाने के वास्ते। उन्होंने 4-5 महीने से घर को नहीं आए। तू क्या मेरे को ये तेरे झमेले में फंसा दे रहा मेरे को? प्लीज अम्मा, तुम्हारे पैर पड़ दो, 2-4 दिन के वास्ते आने दो ना प्लीज, नहीं तो ये बुड्ढा मेरे को घर से निकाल लेता जी। क्या हुआ जी, बच्चे को ऐसा कहीं को फेंक दिए? तुम कहीं को आई जी यहाँ पे? मैं यहाँ, तुम बोला था ना मैं खुद। तुम नहीं आए बोल के मैं आ गई। अगर तुम्हारे भरोसे बैठी ना तो वो मोटम्मा को छोड़ के नहीं आते तुम कभी भी। तुम ना एक दूसरे को पहले से पहचानते? बदकिस्मती से मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ बोल के कई महीने करवा ले लो। आने के वास्ते इसलिए आना पड़ा मेरे को। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। ऐसा है तो फिर तुम्हारा बीवी के सामने बैठ के फैसला कर लेंगे ना जी। चलो। अरे मेरे भाई, तुम मेरे पर्सनल मामले में ना कुआरे भाई। मैं कई को नहीं आना बोला जी, मैं भी ये घर का किराएदार हूँ। अरे कई ये बीवी है बोल के? अब मेरे को ही बोलने का हक है। अब मेरा वक्त आया ना, कई को बोलते तुम बहुत डराती ना मेरे को। अब मेरा वक्त आ गया, मैं तुम्हारे को डराता हूँ। अब तू कई को मेरी मुसीबत बन रहा है? हम दोनों का पर्सनल मामला है रे। अरे पहले जो है बड़ी खतरनाक, एक फसली तोड़ दी, अब क्या दूसरी भी तोड़ाने को है तू? अरे तुम जाओ जी, मैं आता हूँ ना, प्लीज तुम जाओ। मैं जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे को साथ लेके जाने के वास्ते आई मैं। मैं भी जाने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी पहली बीवी को बोल के जाता हूँ। अरे नहीं प्लीज 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 प्लीज। अरे मेरे बाप, तू चुप बैठ, ये हमारे आपस का मामला है रे। अगर आप चाह रहे मैं नहीं बोलना बोले तो मेरा सामान पूरा रूम में जो जो तुम बिरका है ना वो पूरा जैसे का वैसा करना। अगर नहीं करे तो आपकी पहली बीवी को जाकर बोल देता हूँ कि दूसरा सेटअप कर लो, रख लेना। अरे भाई ये दीवारों के भी काना होते रे, प्लीज माफी मांगा मेरे से। ठीक है, माफी चाहता रे, माफी चाहता रे भाई। क्या टाइम पे आई आंटी तुम्हें। बाह, मेरे को नहीं मालूम था जी सेकंड सेटअप कर लग बैठे तो। अब आता खेल में मजा। चलो अंदर, चलो चलो, आप भी आओ। सलाम करो, इस्तकबाल करो। आपकी दूसरी बीवी के साथ आपका किराएदार। चलो चलो, सलाम करो, इस्तकबाल करो। हाँ हट जाओ, चलो। कितना इस्तकबाल कराता मैं तू? हाँ करते रहना पड़ता। क्या बना जी रूम का हाल मेरा? अरे मई का तू बनाया ना मिया? ए आवाज आप बहुत आती है। चलो साफ करो पूरा। मैं साफ करूँ? हाँ तुम ही साफ करो, बोलो जाकर फिर। अरे नहीं, बोलो नहीं रे। पूरा साफ करो, पूरा ये साफ करो। क्या है तक्की पूरा फेंकिंग, पूरा वो फेंकिंग, तू आज देखो मेरा पोछने का है फेंकिंग, पूरा फेंकिंग तुम्हें। चलो साफ करो, पूरा साफ करो। खुद फेंक के मेरे पे बोल रहा, साफ करोगे तो साफ करो। तुम्हें बहुत अच्छे टाइम से आई हो, अब इनको कैसा करना है देख लो। साफ करो, बैठो, अच्छा बैठो। पहले बीवी का डर था, अब इन्हें का अलग पड़ गया मेरे से पीछे। अरे मेरे से नहीं होता मियां ये सब। आवाज ऊंची नहीं करना, सीधा जरा के जरा बैठो, बैठो इधर। अब मैं नीचे बैठो? बैठो इधर, मैं नीचे बैठो? तुम भी बैठना इधर, बैठो इधर, नहीं तो बोल दो जाके फिर। नहीं बैठते, नहीं बैठते, बैठता हूँ, बैठो। देखो ये बात बोलती हूँ सुनो, हाँ ना तुम्हारे को भया बोलती हूँ, ना तुम्हारे को मुबारक अंकल बोलती हूँ। जैसा तुम मेरे को रुबाब करती थी ना, वही चीज़ मैं भी रुबाब करने वाला हूँ। कहीं को बोले तो तुम मेरे को जितना सताई ना उतना डबल मैं तुम्हारे को सताने वाला हूँ। तुम्हारी बीवी आई देखो। प्लीज प्लीज मत बोल, मैनेज कर ले प्लीज। मैं मैनेज करता हूँ, अभी बात करता हूँ, तुम जाओ। मैं बात करके बुलाता हूँ, तुम जाओ। मैं बात कर, दरवाजा लगाओ। आज देखो बेल नहीं मानना, क्या नहीं मानना? बेल मारे तो करंट बिल बढ़ती। हाँ बढ़ती, जाओ लगाओ। क्या टाइम पे आई आंटी तुम्हें, अबो तख्ता पलटा दी तुम्हें, केसर जाके रेवंत रेड्डी को ला ली तुम्हें। अब्बा मेरे को मैं इमेजिन नहीं कर सकूं जी, उतना जबरदस्त करी तुम्हें। ओफो ये बुड्ढे का, मैं बता तो लो मेरे को क्या है, ये घर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बुड्ढे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
मगर मेरे को टॉर्चर करी ना, तुम्हारे घर वाली कहाँ है, तुम्हारे घर वाली कहाँ है, तुम्हारे घर वाली कहाँ है बोल के खाना खाने को जाता हूँ, तुम्हारे घर वाली कहाँ है, फिर तुम्हारे घर वाली को बुलाओ नहीं तो मैं जाके ले लेके आता हूँ। इतना टॉर्चर करा मैं बोलता हूँ ना, इतना टॉर्चर करा वो उनकी बेटी है नहीं, हाँ मरियम मेरे को अच्छी दिखती लो मेरे को, वो दिल ही दिल है, मैं थोड़ा सा वो अटैच हो गया लो मैं, अच्छी खूबसूरत है, अच्छी है बच्ची वो। एक टाइम पे खाना बनाई उन्हों, खाना खिलाई मेरे को, फिर उसके बाद में पूछूँ मैं तुम खाना तुम बनाती क्या, बोलते उनके मम्मी सिखा रहे बोल के बना रही, तो मैं बोलूँ तुम खाई सीख रहे तो इतना अच्छा खाना है, तुम बनाए तो कितना अच्छा टेस्ट रहता बोल के, फिर क्या है बोले तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे रहने के बाद सारी बोल के बोलो 8 दिन में मैं गेम पलटा लेती हूँ तुम्हारे जैसा भी, उसके बेटी से शादी कर लो, यही घर में रहता है बोल के मैं सब फिक्स होकर रहूँ मैं, काम भी अच्छा है, 50,000 महीने की तनख्वाह कमाता हूँ मैं, दिल ही दिल में उनको चाहती ना मैं, तो उन्होंने भी मेरे को चाहती है, और क्या है बोले तो ये बहुत न्यूसेंस करता है बुड्ढा, इसलिए बुड्ढा बोल के ऐसा नको सोच लो, बहुत भगाई मेरे को पूरा 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 ऐसा करके पूरा पूरा भगाई सो पूरा होना, अब कुछ चाय वगैरह पीते तो मैं बुड्ढा सॉरी हाँ अंग मुबारक को बोलता हूँ मैं, मैं जब तक पानी नहा लेके आता हूँ कहीं को बोले तो भगा के पूरा मेरे को कच्चा कर दिया सो है ना, जाके मैं पानी नहा लेके आता हूँ 8 दिन के आवाज़ से, प्लीज़ कैसा भी रहो जैसा उन्हें आते तुम चले जाओ बोलती हूँ, मेरे को मालूम मेरे को तुम बोलना मैं जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे को लेके जाती हूँ, मेरे को बोलो 8 दिन के आवाज़ से रह रही हूँ बोल के बोलो तुम, ठीक है ना, मैं जाता हूँ। कई को तो भी आई जी तुम, मैं हाँ तुम बोला था ना ऊपर से रुसना पुसना बहुत, तुम निकल जाओ बोलो ना, मैं क्या बोले हा? निकलने के वास्ते नहीं आई मैं, यहाँ रहने के वास्ते आई। अरे नक्को चिल्लाओ जी, मोटा मस में तो आफत मचा देते, मैं यहाँ आई तुम्हारे लेके जाने के वास्ते, और तुम वो मोटा मक्का डर बता रहे मेरे को, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था जी, बुलाओ जी आज बुलाना तुम, देखती हूँ मैं भी किसमें कितना दम है, तो मेरी बात को नहीं समझ रहे तुम, बुलाओ जी बुलाओ नहीं तो मैं जाके देखती थे। क्या जी ये हमारा अम्मा है, गांव में अकेले रहते ना, तो मेरे से मिलना बोल के दिल बोल रहा बोल के, मैं बोला इधर आ जाओ जी बोल के, मैं इधर बुला रही हूँ, कुछ दिन के वास्ते रहने के वास्ते आई हूँ। ऐसा अच्छा है, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आवाज से ऐसा दिख रहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जैसा दिख रहा। मेरी आवाज पहले से वैसी है। कई को ऐसा मुंह चढ़ा के बोल रहे हैं अपन? ऐसा नहीं है लो, हमारी अम्मा क्या है तो लंबा सफर करके आई ना, इसलिए आपको ऐसा दिखता है सो। एक बात बोलूं आपा, बुरा तो नहीं मानते ना, भावों को इतने दिन अम्मा के घर नहीं छोड़ना आपा, सुनो कब से तो भी आ रही थी आपा उन्हों। नहीं आंटी, हमारे अम्मा जाको मिलके आई, मिलके आने के बाद में बोली कैसा भी आ जाती बोल के बोली क्या अम्मा। अरे तुम कहीं को पुकारा कर रहे जी, बोले सफर करके थक गए, खाना खा लेके गोलियां दाल लेके उठते उसके बाद बात करते मगर, चलो चलो। आप कहीं को इधर है जी, मैं क्यों कब से की तुम्हारे आवाज आ रहे, बल्कि मैं आई ऊपर, यहाँ कहीं को आ जा रहे बार बार, फिर से बच्चे को परेशान करने को आ गए यहाँ पे, अब इनके अम्मी भी आ गए ना, बात कर लें तो दोनों को सांस लें दो जरा सुकून से। देखा आपा ये मेरे मियाँ है, ये बहुत चाहते आपा मेरे को, 2 बच्चे है मेरे को, 1 बेटी है मेरे को, बहुत देखभाल करते घर वालों की, पूरा काम कर लेते सुकून से, एक काम भी हम लोग को नहीं करने देते, बहुत चाहते हमारे को। बेटा अम्मी को ले लेके आओ, रात का खाना हम लोगों के साथ ही खाओ, क्या बोल रही हूँ? ठीक है आंटी, मैं कैसे भी ले लेके आता हूँ। छोटा छोटा रिक्वेस्ट आपसे, आपसे इधर 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 बैठ 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 एक छोटा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि 2-4 दिन खाली, 2-4 दिन मेरे वास्ते जरा तुम रुक जाओ ना, कहीं को बोले तो इन्हें बहुत मुसीबत कर देते हो मेरे को घर से निकाल देते फिर इन्हों। क्या है रे बेटा, मैं तेरे को जानती नहीं पहचानती नहीं, तू है कौन आखिर? मैं आई मेरे काम से, मेरे आदमी को लेके जाने के वास्ते, उन्होंने 4-5 महीने से घर को नहीं आए, तू क्या मेरे को ये तेरे झमेले में फंसा दे रहा मेरे को? प्लीज अम्मा तुम्हारे पैर पड़ दो, 2-4 दिन के वास्ते आ जाओ ना प्लीज, नहीं तो ये बुड्ढा मेरे को घर से निकाल लेता जी, आपके आने से मेरे को हिम्मत है मालूम है, और ये मैं मेरी मंजिल तक जा सकता हूँ मैं, तुम रही तो, अगर आप चले गए समझो मैं मरियम से कभी नहीं मिल सकता, दिल की बात भी नहीं बोल सकता, और शादी के ख्याल भी नहीं ला सकती जी भाई।
देखो बेटे, मैं तो मजबूर हूँ, शायद ही मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मरियम उनकी बेटी है, उन लोगों की नजर में तो तुम शादीशुदा है ना। अब ना राजी होते नहीं होते वो मेरे को तो नहीं मालूम, मगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अब उन्हें बुराई ना खाने के वास्ते अपन जाएंगे लोग। मैं तो नहीं आती, वो मोटी के साथ बैठ के खाओ, मैं मेरी सौकन के साथ मैं तो नहीं आती। अरे प्लीज अम्मा, समझो ना बात को। एक और मुसीबत